नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते इस वक्त की बुलेटिन की। पहली खबर आगरा से है। मीट एट आगरा आयोजन में भारत सहित 45 देशों के प्रदर्शक 225 स्टॉलों के जरिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ताइवान, चीन आदि शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वर्चुअल तरीके से उन्होंने जुदा कारोबारियों को संबोधित किया। जाता है क्योंकि खेती पर हमारा सबसे ज़्यादा लोग निर्भर हैं, लेकिन जैसे जैसे हम 21वीं-22वीं शताब्दी की तरफ जा रहे हैं तो देश की खुशहाली का रास्ता उद्योग, व्यापार, एमएसएमई से भी होकर जा रहा है। मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीट एट आगरा 22 में ये 14वां फेयर लगा जिसमें लेदर एंड फुटवेयर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी का मेला लगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरदोई में लव सेक्स और धोखा का मामले सामने आया है। गर्भपात कराने से आहत युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। युवती के भाई ने पिहानी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि उसके ही गांव के रहने वाले नवीन पांडे ने उसको प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देता रहा। उसने कई बार उसका शोषण किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया गया। अब उसने शादी से मना कर दिया है। इस बात से आहत होकर युवती ने जान देने की कोशिश की। सूचना मिलने पर सीओ हरियाणा वहां जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस ने युवती का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट कब्जे में लिया है और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की। देखिए, अभी एक मामला आया जो पिहानी क्षेत्र का है, जिसमें एक लड़की का प्रेम संबंध था एक लड़के से और उसने शादी से इनकार कर दिया तो उसने जहर खा लिया है। अभी हालत थोड़ी सी गंभीर लग रही है, लेकिन डॉक्टर उपचार कर रहे हैं और जिस लड़के से संबंध था पुलिस को बोल दिया गया है, इंस्पेक्टर को, उसको गिरफ्तार करें। बाकी जैसा भी होगा तुरंत विधिक कार्रवाई की जाएगी। नोट वगैरह भी, हाँ, एक सुसाइड नोट भी मिला है कि उसने बताया कि प्रेम संबंध था, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसका दोषी कौन होगा। तो सुसाइड नोट हमने ले लिया, अपने कब्जे में हमारे हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसा भी होगा विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कई दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण पूरे देश में उनके स्वस्थ होने की कामनाएं की जा रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने के लिए हवन पूजन किया। वहीं पूर्व विधायक रामपाल यादव ने बताया कि हम सब ने आज हवन पूजन किया है। इस मौके पर डॉक्टर संदीप यादव, शिवमोहन यादव, संतोष के अलावा तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वारिसगंज सैनिक पेट्रोल पंप का मामला है, जहां पेट्रोल पंप पर लोगों को पेट्रोल की कीमत में पानी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, इस मिलावटी पेट्रोल से सैकड़ों लोगों के वाहन इंजन खराब हो गए हैं। पौड़ी में मौसम विभाग द्वारा 8 अक्टूबर को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के मद्देनजर छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि बारिश को देखते हुए पौरी के सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी स्कूलों के साथ साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्र शनिवार को बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों का आना जाना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग के द्वारा जो है वर्षा का हेवी अतिवृष्टि का संभावना व्यक्त किया गया है। आज भी संभावना व्यक्त किया था, कई ऐसे जिलों में हल्की बारिश हुई है, लेकिन कल का जो अलर्ट है वो रेड श्रेणी में रखा गया है और उसको देखते हुए सभी विद्यालयों में हम लोगों ने अवकाश की कार्रवाई संपन्न करा रहे हैं। कल 8 तारीख है, 8 तारीख का भी अवकाश हम घोषित कर रहे हैं और सभी शिक्षकों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में बने रहेंगे। सभी अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में बने रहेंगे, कोई भी दुर्घटना होने पर, कोई भी घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत सहायता करने की कार्रवाई की जाएगी। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र के विकास की पोली अंडरपास खोल रहे हैं। 2 दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। ये अंडरपास स्विमिंग पूल की तरह नजर आने लगे हैं। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से अंडरपास में पानी भर गया है। अंडरपास से बाहर आ रही कार पानी के आगोश में समा गई। कार को निकालने की जद्दोजहद में ट्रैक्टर को लगाया गया। बता दें कि सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों के चलते अंडरपास बनवाया गया था। खबर सहारनपुर से है, जहां एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा डीआईजी को दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच करने के बाद वायरल ऑडियो में पैसे मांगने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया गया है।
दरोगा करण नागर थाना फतेहपुर में तैनात था। वहीं कुछ और सिपाहियों की भी जांच चल रही है। आपको बता दें कि यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए हम आपको वो ऑडियो भी सुनवाते हैं। हेलो हेलो जी भाई जी। हाँ 14,000 जी इन। चलो ठीक है थाने आ जाता। मेरी बात सुनो। हाँ इसे कि न्यारा से बता दियो मैं किस पर जागे पैसे इसे कि न्यारा था। अरे बता दिया यार। लो बता दो जरा इस पे इसे लड़के को। हाँ हेलो। हाँ जी। अरे यार बता दिया तो मैं कितनी बार बताऊंगा और क्या कह रहे। अरे मैंने की इसको कहीं जाने हैं। हाँ तो मैंने कह दिया ऐसे मैंने कहा इसे बता दो को इसको साफ पे जा रहे हैं। हाँ 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 क्यों जी इसे कि नहीं आ रहा था 1,000 कम करे इनने इसे कि नहीं आ रहा था। हेलो हाँ लो जरा इसे बता दो किस पर जा गए इसे फेल भी मेरी बात का कि नहीं आ रहा बता दियो जरा बता। हाँ भाई बता जी। अरे ये थाने जाने हैं ऐसे साफ सुथरे से यार तुम क्यों इतना वो कर रहे हो इसमें समझते को नहीं बात को। ठीक है सर ठीक है बैठे जल्दी। ठीक है। हाथरस के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर दौड़ रही एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। सड़क पर एम्बुलेंस धू धू कर जलने लगी। हालांकि ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई। यह घटना सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के कुरसंडा मोड़ के पास की बताई जा रही है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।